हे एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी एंड आई होप लर्निंग एब्सोल्युटली ऑसम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। गुड इवनिंग एवरीवन, स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। स्वागत करता हूँ मैं अमन शर्मा आप लोगों के स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग एवरीवन, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुँच रही है, क्लियर है, तो डू लेट मी नो कि हाँ सर, वॉइस वगैरह बिल्कुल ठीक है, एकदम क्लियरली सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंच रही हैं जल्दी से। और आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनको भी आप लोग शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बताइए, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? वॉइस क्लियरली पहुंच रही है? हाँ जी, हेलो एवरीवन, गुड 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 गुड। सो ये दूसरा सेशन है मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज का। पहले सेशन में हम लोगों ने 2019 के प्रीलिम्स पेपर के 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। अ ग्रेट सेशन, बहुत अच्छा सेशन था। यहाँ पर हम लोग जो बाकी जो 50 सवाल हैं, बाकी जो 50 क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले। ओके, बाकी जो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हैं उनको आज के सेशन में आप लोगों के लिए कवर करूँगा। स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों को पता है अनअकैडमी आप लोगों के लिए अनअकैडमी समिट कंडक्ट कर रहा है। समिट 3 दिन होने वाली है, 26th, 27th और 28th of June को। इंडिया की सबसे बड़ी समिट है, तो अगर आपको अपने UPSC या सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर आप टॉपर्स से कोई बात करना चाहते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से बात करना चाहते हो, आप उस समिट के अंदर जाकर बात कर सकते हो। समिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री समिट है, और समिट के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए पहले से ही मैंने लिंक दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि कौन कौन लोग आप लोगों के लिए एज अ स्पीकर सेशन लेंगे इस अनअकैडमी समिट के अंदर। यू कैन ऑल्सो सी बिग बिग नेम्स, श्री प्रणब मुखर्जी जी अनअकैडमी समिट 2020 का इनॉग्रेशन करेंगे, और आप लोगों का फेवरेट न्यूज़पेपर द हिंदू यहाँ पर पार्टनर है इस समिट का। गाइस, इस समिट के अंदर स्पीकर्स में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होंगे, UPSC टॉपर्स होंगे, जो अपने जो एक्सपीरियंसेस होंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं भी आप लोगों के लिए इस समिट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूँ। आई एम वन ऑफ द स्पीकर इन दिस सेशन, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। मेरे साथ साथ और भी टॉप एजुकेटर्स हैं, सो डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग मुझे ज्वाइन करो। ये आपके लिए पूरी लिस्ट है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। आप यहाँ पर जो मेरा सेशन है वो आप लोग देख पाओगे 26th of June को 6 बजे। तो आना बिल्कुल मत भूलना, एनरोल करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सीधा हम लोग अपने सवाल के ऊपर पहुंचते हैं। लेट अस डायरेक्टली फोकस ऑन आवर क्वेश्चन। गाइस, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी सवाल था, क्वेश्चन नंबर 49। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 कवर किया था, जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट से यहाँ पर रिलेट करता था। That was relating with the Global Competitiveness Report. अगले सवाल के लिए सब लोग रेडी हैं, तो डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग लाइक हिट आउट करो, जिससे अगले सवाल को मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर रख सकूँ। Everyone ready? सब लोग तैयार हैं? हमारे यहाँ पर non-stop session के लिए 50 सवाल से पहले रुकूंगा नहीं, जल्दी से सवालों को निपटाने की, सॉल्व आउट कराने की कोशिश हम लोग करेंगे। चलिए, पहला सवाल आज के सेशन का आप लोगों की स्क्रीन पर, चार्टर एक्ट 1813 से रिलेट करता है। इट इज़ रिलेटेड विद दी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। पॉइंट नंबर टू, इट एजर्टेड द सोवेरेनिटी
ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ऑप्शन यहाँ पर जो थर्ड वाला पॉइंट है वो ये है, जो रिवेन्यूज थे इंडिया के दे वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द रिवेन्यूज ऑफ इंडिया वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्या होगा इसका आंसर बताइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से, गिविंग यू 10 seconds, घड़ी के हिसाब से 10 seconds दूंगा। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली। यू आर करेक्ट, इसका आंसर 1 and 2 ओनली ही है। यहां पर अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो मेन प्रोविजंस जो थे यहां पर चार्टर एक्ट 1813 के, इट रिक्वायर्ड कंपनी टू मेंटेन इट्स टेरिटोरियल एंड कमर्शियल अकाउंट्स सेपरेटली। बाय दिस द एक्ट कंपनी वॉज पुट अंडर ग्रेट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो बात करता है कि यहाँ पर जो रिवेन्यूज थे इंडिया के दे वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। याद रखो यहाँ पर जो रिवेन्यू कंट्रोल था वो 1853 से ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में आया था। यहाँ पर कंपनी को अलाउ किया गया कि वो टेरिटोरियल पोजीशन ले सके यहाँ पर 20 साल के लिए, ट्रेड मोनोपोली आई, सोवरेनिटी आई, इसलिए ये भी यहाँ पर करेक्ट था। दूसरा सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर स्वदेशी मूवमेंट के बारे में ये बात कर रहा है, स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। आजकल भी स्वदेशी की बहुत सारी बातें चल रही हैं पर ये पुराने वाला स्वदेशी था, ठीक है, तब लोग मान भी जाते थे, यूज़ नहीं करते थे फॉरेन प्रोडक्ट्स, पर अब हमारे देश में लोग मान नहीं रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिशियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। इसकी वजह से जो इंडिजीनियस क्राफ्ट था, इंडस्ट्रीज थी, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। पॉइंट नंबर टू, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के पार्ट के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर इस्टैब्लिश किया था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, NCE, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। बताइए स्वदेशी मूवमेंट, आपको पूरी कहानी पता होगी, दिस इज लिंक विद द बंगाल पार्टीशन, ये बंगाल पार्टीशन से लिंक्ड है, इसके साथ इसके अंदर सूरत स्प्लिट भी आ जाएगा, फिर यहाँ पर लखनऊ सेशन आ जाएगा। तो पूरी की पूरी टाइमलाइन आपको याद रहनी चाहिए। 1905 के अंदर कुछ सीक्रेट सोसाइटीज थी, उनके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब है सी, बिल्कुल करेक्ट। भाई स्वदेशी मूवमेंट का मेन रीज़न ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हम लोगों को डिवाइड करना चाहते थे, बंगाल को डिवाइड कर रहे थे वो। यहाँ पर बोला गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से डिवाइड किया जा रहा है, बट असलियत में अगर आप डिवीज़न का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे वो लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किया गया, वो जो डिवीज़न था उसको रिलीजन के आधार पर किया गया। सो जो स्वदेशी मूवमेंट है उसके जो जेनेसिस हैं वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एंटी पार्टीशन मूवमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, यही सेम लाइन आपकी स्पेक्ट्रम वाली किताब में लिखी हुई है। स्वदेशी मूवमेंट वॉज अ ग्रेट एम्फेसिस गिवन टू द सेल्फ रिलायंस या आत्मशक्ति। देखो गाइस आज भी हम लोग सेल्फ रिलायंस के बारे में बात कर रहे हैं, आज भी हम लोग आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रहे हैं, और 1905 में भी हम लोग आत्मनिर्भर भारत के बारे में ही बात कर रहे थे। जो मेजर था सेल्फ रिलायंस का, इट वॉज स्वदेशी, कि हर चीज हमारी स्वदेशी हो। और यहां पर इवन एजुकेशन भी स्वदेशी हुई, काफी लोगों को जापान भी भेजा गया था टेक्निकल एजुकेशन के लिए, पर यहां पर इस काउंसिल को, अब देखो सब चीजें स्वदेशी आ गई तो ऑब्वियसली हमारे देश में जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज नहीं है कि नहीं किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो इंडियन आर्टिशियंस हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। मेन मकसद जो यहां पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को एस्टैब्लिश करने का था वो था टू ऑर्गेनाइज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन लिटरली साइंटिफिक एंड टेक्निकल और नेशनल लाइंस एंड अंडर द नेशनल कंट्रोल, जहाँ पर प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की जितनी भी तालीम है, जितनी भी एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराई जा सके, जितनी भी तालीम है
उसको यहां पर प्रोवाइड कराया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। अगला सवाल आप लोगों के लिए, एक और आपके लिए मॉडर्न इंडिया का सवाल, मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को आपको मैच करना है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया किसान सभा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर्स यहां पर करेक्टली मैच्ड हैं, कौन कौन से पेयर यहां पर करेक्टली मैच्ड हैं, करेक्टली मैच्ड पेयर आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो लीग है इसको 1932 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। दिस लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1932। और इस लीग का जो पहला जिक्र है वो एक किताब, एक जनरल में किया गया था जिसका नाम था हरिजन। इतना हिंट तो यार काफ़ी होगा, जिसका नाम था हरिजन। जब महात्मा गांधी जी येरावाड़ा जेल के अंदर थे तब से यहाँ पर वो चीज़ें आई थी सामने। ऑल इंडिया किसान सभा 1936, लखनऊ के अंदर इसे फाइंड आउट किया गया था, इट वॉज फाउंडेड इन लखनऊ, है ना। और इसके सेक्रेटरी के रूप में थे एन जी रंगा वॉज दी सेक्रेटरी। देन वी हैव दी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। बेसिकली जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थे, जो द्रविडियंस थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट सामने आई। आप में से मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि इस सवाल के अंदर सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, आपके हिसाब से डी आंसर है, मेरे हिंट के हिसाब से भी आंसर डी ही है। इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज बेटर कैंपेन, जिससे अनटचेबल्स की कंडीशन हम लोग बेहतर बना सकें, महात्मा गांधी जी ने 1932 के अंदर यहाँ पर ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को यहाँ पर सामने रखा। और यहाँ पर हरिजन सेवक संघ, इसी का ही नाम बदल के कर दिया गया था। याद रखो, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का ही नाम बदल के हरिजन सेवन संघ रखा गया। गांधी जी ने यहाँ पर हरिजन नाम की मैगजीन पब्लिश करना चालू किया था, येरावाड़ा जेल से यहाँ पर इस मैगजीन को निकालना चालू किया था। ओके, इसलिए पेयर वन करेक्ट है। ऑल इंडिया किसान सभा कांग्रेस 1936, स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज दी प्रेजिडेंट, एन जी रंगा वॉज दी जनरल सेक्रेटरी, इसीलिए पेयर नंबर टू भी करेक्टली मैच्ड है। इसके बाद ई वी रामास्वामी नेकर, ही ऑर्गेनाइज दी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट द्रविडियन के अपलिफ्टमेंट के लिए। बेसिकली जो ब्राह्मणिकल टायरेनी थी, जो ब्राह्मण्स थे उनकी मनोपोली को अपोज करते हुए यहाँ पर इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। जो ब्राह्मण्स की मनोपोली थी उसको अपोज करते हुए इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। गाइज ये तो सुपर स्पीड में आंसर कर दो यार, ये तो भाई सुपर स्पीड में आंसर कर दो, सुपर स्पीड में आंसर कर दो। इनमें से कौन सी हरप्पन साइट नहीं है? बताइए। ओ माय गॉड, आप में से बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं दिसालपुर। गाइस, दिसालपुर के बारे में बात सुनो। दिसालपुर एक जगह है गुजरात के अंदर, बेसिकली गुजरात के कच्छ के अंदर ये दिसालपुर पड़ता है। ये एक मैसिव स्टोन फोर्टिफिकेशन साइज साइट है, जहाँ पे हमारे बहुत सारी हमें पॉटरी देखने को मिली है जो कि बिलोंग करती है हरप्पन सिविलाइजेशन से। यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सारी सील्स देखने को मिली हैं, कॉपर की सील्स देखने को मिली हैं, हमें कुछ यहाँ पर टेराकोटा की सील्स देखने को मिली हैं। तो दिसालपुर इसका आंसर नहीं है। चानुदारो और कॉट जी तो आपको पता है, दीज आर दी हरप्पन साइट। सोहागुरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है सोहागुरा, यहाँ पर रिसेंटली एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पाया गया जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शन है। ये साइट का जो जिक्र है वो सम्राट अशोक से है।
इसका कोई भी जिक्र हड़प्पा से नहीं है, इसका कोई भी जिक्र हड़प्पन सिविलाइजेशन से नहीं। क्लियर करो, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रानियो अशोक या किंग अशोक लिखा हुआ है, और यहां पर एक स्टोन पोर्ट्रेट भी है सम्राट अशोक की। कौन से इंस्क्रिप्शन में यहां पर रानियो अशोक लिखा हुआ है, कौन से इंस्क्रिप्शन में रानियो अशोक लिखा हुआ है और सम्राट अशोक की यहां पर तस्वीर भी है, बताइए। बताइए 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 बताइए। बोलिए। अब देखो आपका होमवर्क क्या है, जैसे मैंने आपको सवाल पढ़ा दिया, बाकी ऑप्शंस का क्या रिलेशन है हिस्ट्री से, बाकी ऑप्शंस का क्या रिलेशन है ये आपको खोजना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ आंसर है इसका कनकनली। कनकनली जो कर्नाटका में सनाती नाम की जगह है उससे 3 किलोमीटर दूर है, वहां के एक्सकवेशन ने सम्राट अशोक की पोर्ट्रेट देखी और रान्यो अशोक यहां पर लिखा हुआ है। रान्यो अशोक का मतलब है सम्राट अशोक, मतलब किंग अशोक। अगला सवाल, यहां पर कौन कौन से फीचर महायान बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं, द लार्जर व्हील या द बिगर व्हील। महायान और हीनयान आप लोगों ने पढ़ा है, हीनयान का मतलब होता है स्मॉलर व्हील, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होता है, महायान इज लिटिल बिट मॉडर्नाइज्ड। ओके ओके चलो बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी चीजें रिलेट करती है महायान बुद्धिज्म से। आपको याद होगा महायान बुद्धिज्म का जो रिलेशन है वो 4th काउंसिल से है जो कश्मीर में हुई थी, कनिष्क ने हेड किया था उस काउंसिल को, कनिष्क ने ऑर्गेनाइज किया था, सम्राट कनिष्क ने। यहां पर हीनयान और महायान एक बड़ा डिवीजन हम लोगों को देखने को मिला था, और महायान बुद्धिज्म बेसिकली परसीव करता है बोधिसत्वास में, दे परसीव्स इन बोधिसत्वास। हीनयान बुद्धिज्म बिलीव नहीं करते थे यहां पर इमेज वर्शिप में, बट महायान कंसिडर्ड इन टू इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, एंड दे ऑल्सो बिलीव इन डिफिकेशन ऑफ बुद्धा। अब एक और सवाल आता है कि ये जो शब्द है डिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों डिफिकेशन का मतलब होता है जिसको एक व्यक्ति जिसको गॉड की तरीके से ट्रीट किया जाए, जब किसी एक व्यक्ति को भगवान की तरीके से ट्रीट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफिकेशन। तो गौतम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को एक गॉड के रूप में किया जाता था, बट ये माना जाता था कि ही वॉज अ पर्सन जिन्होंने धरती के ऊपर जन्म लिया। सो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। जो एमरजेंस है, जो एमरजेंस है यहाँ पर बुद्धिज्म का, इट इज सेंट्रल टू द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जहाँ पर 4th काउंसिल का एक बड़ा रिलेशन है 1st सेंचुरी AD के अंदर कश्मीर में हुई थी काउंसिल कनिष्क के अंडर। बोधिसत्वास परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट, बेसिकली जो बोधिसत्वास हैं वो हैं जिन्होंने पूरी एनलाइटनमेंट हासिल कर ली है, पर वो निर्माण की तरफ, जो निर्वाण है उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट कि वो बाकी सब लोगों को भी एनलाइटन करें। उन्होंने यहाँ पर दे हैव दैट मैरिट बट दे हैव नॉट अटेन निभा या निवान अचीव नहीं किया। द वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इसीलिए सारी स्टेटमेंट करेक्ट थी। अगला बताओ, यहां पर फोर्ज्ड लेबर जिसे विष्टि, आपकी एंशियंट इंडिया की किताब में ये आराम से लिखा हुआ है, फोर्ज्ड लेबर विष्टि गुप्ता पीरियड के दौरान, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लास्ट वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी नीचे ओवरलैप हो गई है, नो वरीज अबाउट इट, डोंट केयर अबाउट इट। बताओ
विच टी क्या है, इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, तरीके से टैक्स था विच टी जो कि यहाँ पर पे किया जाता था। बी इट वॉज टोटली एबसेंट इन दी मध्य प्रदेश और काठियावाड़ रीजन में होता ही नहीं था गुप्ता कले पीरियड्स में। फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस एंड एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट एज द फोर्स लेबर, जो एल्डेस्ट सन होते थे लेबरर के ही वॉज सेंट एज अ फोर्स लेबर। क्या चीज़ सही है यहाँ पर बताओ, जल्दी से आंसर करो। बहुत सारे लोग यहां पर आंसर डी कह रहे हैं, डी इज इलॉजिकल। डी कोई ऐसी कोई फिक्स्ड कभी पढ़ा है कि जो एल्डेस्ट सन होगा उसी को ही भेजा जाएगा फोर्स्ड लेबर के लिए? दिस इज लाइक इलॉजिकल, दिस इज टोटल इलॉजिकल। जो लोग डी आंसर कर रहे हैं इट इज वेरी सैड, हाउ इज डी इज आंसर? इसका आंसर है दोस्तों ए, फोर्स्ड लेबर या विस्टी ज्यादा कॉमन 300 to 600 AD में हो गई थी। इट वॉज अ टैक्स इन लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शन जहाँ पर सजेस्ट किया जाता था दैट इट वॉज कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, और ये एक तरीके का टैक्स था पेड बाय द पीपल। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ टैक्स दैट वॉज पेड बाय द पीपल। अगला सवाल ये बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड बट इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड वर्ल्ड, बट इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड वर्ल्ड। हाँ जी, बेसिकली मैं आपको बताऊं 1492 वेट, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इतने आप लोग पढ़ो जरा क्या होगा इसका आंसर। इन 1492 जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पर गए, उनके पास बहुत सारी क्रॉप्स थी, तो उसको यहाँ पर हम लोग कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं, वी कॉल इट एज कोलंबियन एक्सचेंज। अब कोलंबस से पहले जो क्रॉप जो कि जनरली होती थी उनको इन जगहों पर उन कंट्रीज में जहाँ पर कोलंबस पहुँचे जो उन्होंने सर्च किया, उनको हम लोग यहाँ पर ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप्स कहते थे जो पहले होती थी। न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स मतलब जो कि यहाँ पर जिनका एक्सचेंज चालू हो गया, और न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स वर टोबैको कोकोआ एंड रबर। एक चीज़ आप लोग सोचो, कॉटन तो हो ही नहीं सकता, कल ही बताया था कि कॉटन तो हरप्पन सिविलाइजेशन बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन से है, फिर शुगर केन भी बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन से, और वीट भी बहुत ओल्ड है। तो अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पे फोकस करते तो आप लोग यहाँ पर न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर पे पहुँच जाते, बहुत इजीली आप इसके आंसर पर पहुँच सकते थे कि इस सवाल का सही जवाब होगा ए। देख लेते हैं एक बारी कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन कहता है क्रिस्टोफर कोलंबस का जो 1492 का जो यहाँ पर वॉयज था उसने कोलंबियन एक्सचेंज किया, इट ब्रॉट द न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स सच एज मेज पोटैटोज स्वीट पोटैटोज मोनियाक। यूरोपियन वर्ल्ड में ये नई चीज़ें आई बाहर से। ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप्स वर वीट बार्ले राइस टर्निप्स लाइफ स्टॉक ठीक है हॉर्सेस, ये सब भी यहाँ पर अमेरिका में पहुँचे थे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड ओनली इन इंडिया, डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न राइनोज इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन ओनली टू ओनली वन एंड थ्री वन टू एंड थ्री। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए एशियाटिक लायंस तो अभी भी न्यूज में थे, चले देखो गाइस
एशियाटिक लायंस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली बिकॉज गिर नेशनल पार्क ये आखिरी हैबिटेट है जो हमारा गिर नेशनल पार्क है वो लास्ट हैबिटेट है यहाँ पर इसका. स्टेटमेंट नंबर टू इनकरेक्ट है बिकॉज डबल हम्ड कैमल जिसके दो हम्प होते हैं या द बैक्टीरियन कैमल जिसे कहते हैं इट इज़ फाउंड इन इंडिया नुब्रा वैलीज में हमें देखने को मिल जाता है पर बेसिकली जो स्टेपीज हैं सेंट्रल एशिया के वहाँ पे ही ओरिजिनेट करते हैं. आप ये जल्दी समझो भाई कैमल आर नॉट इंडियन ओरिजिन जो कैमल्स हैं दे आर जनरली नॉट इंडियन ओरिजिन. और यहाँ पर हम लोगों को नेपाल के चितवन नेशनल पार्क नेपाल के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है चितवन नेशनल पार्क वहाँ पर हम लोगों को वन हॉर्न डाइनोसॉरस देखने को मिल जाते हैं. तो इसका मतलब ये जो ओनली ओनली वाली स्टेटमेंट है इनके ऊपर फोकस करना था और ये दोनों पे हमें लॉजिक लगाना था और हम लोग वन ओनली वाले आंसर तक पहुँच सकते थे. ठीक है यहाँ पर हम लोग पहुँच सकते थे. अगला सवाल कंसिडर द फॉलोइंग पेयर फेमस प्लेस और रिवर पंधारपुर तिरुचिरापल्ली और हम्पी बताइए मैच करेगा. अब देखो गाइस हमारे नोट्स की वजह से भी और बहुत सारे अन्य रीजन की वजह से हम्पी वॉज इन न्यूज हम्पी न्यूज में था. और अगर किसी ने भी आपको बेसिक्स पढ़ाया हो किसी ने भी अगर आपको बेसिक्स पढ़ाया हो तो ये आपको जरूर बताया होगा कि हम्पी हम्पी तुंगाभद्रा नदी के किनारे पे पड़ता है. हम्पी का रिलेशन है तुंगाभद्रा से. अगर आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पता थी तो आप इस जवाब तक बहुत इजीली पहुंच सकते थे. मैंने क्या बताया अगर आपको कुछ चीज़ें बहुत करेक्टली याद हैं आपने अच्छे से पढ़ी हैं तो भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक ही आपके पास एलिमिनेशन की है. सो पंधारपुर इज अ वेल नोन पिलग्रिमेज साइट जो कि यहाँ पर चंद्रभाग नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाती है. तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट ये भी कावेरी नदी के किनारे पर हम्पी तुंगाभद्रा रिवर के किनारे पे आपको देखने को मिलता है. मूविंग ऑन गाइस इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस आर हायर इन सम स्टेट्स. कुछ स्टेट्स में ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन ज़्यादा है बाकी स्टेट्स के मुकाबले. यू नीड टू टेल अस द रीज़न कि भाई इसका रीज़न क्या है बताइए. क्या रीजन हो सकता है बेसिक रीजन क्या है. मैं एक इसका हिंट दूंगा आपको ईज ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ लिविंग. ईज ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ लिविंग. कावेरी कॉलिंग हाँ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है सदगुरु जी करा रहे हैं कावेरी कॉलिंग और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं है ना कि कावेरी कॉलिंग और बहुत सी चीज़ें बट सदगुरु जी ने उसके ऊपर पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी थी अगर आपको पता हो तो. मतलब इतना बड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग आप तब भी आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे बताओ कितनी सैड चीज है यार मेरे लिए. कॉस्ट ऑफ लिविंग का सीधा मतलब है प्राइस लेवल प्रोडक्ट्स के स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं खासकर इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स के वेजिटेबल के फ्रूट्स के वीट के. इसीलिए पॉवर्टी लाइन वेरी कर जाती है स्टेट टू स्टेट. मतलब दिस वॉज द ईजिएस्ट गेस. मतलब मैंने आपको इतना कुछ बता दिया था
तब भी अगर आप इसका आंसर बी नहीं कर रहे हो देन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ कंसर्न. चलो आगे बढ़ते हैं. ये बताओ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर. किस वजह से साइंटिस्ट यहां पर सजेस्ट करते किस कौन सी टेक्निक का. यहां पर ये टेक्निक आपके लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक. द हिंदू का ये आर्टिकल था. दिस वॉज अ द हिंदू आर्टिकल. दिस इज अ क्लाइमेट इंजीनियरिंग. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों क्लाइमेट इंजीनियरिंग. जो सिरस क्लाउड होते हैं उनके पास खास बात क्या होती है? दे आर वेरी हाई, बहुत ऊंचे होते हैं. एंड दे हैव आइस. एंड दे हैव आइस. सिरस क्लाउड बहुत ज़्यादा काम आते हैं. क्यों काम आते हैं? जब सिरस क्लाउड यहाँ पर ऐसे होते हैं आइस पार्टिकल्स की वजह से ऊपर से जो सोलर रेज आ रही हैं उनको ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं. उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं. यहाँ पर अगर हम लोग थिन करते हैं, रिमूव करते हैं इन क्लाउड्स को, इट विल रिड्यूस देयर हीट टैपिंग कैपेसिटी और हमारी अर्थ के ऊपर कूलिंग इम्पैक्ट आएगा. बेसिकली ये ऊपर से मत समझो, यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट होके देखो, जब हमारी यूवी रेडिएशंस हैं जब वो आती हैं एट दैट टाइम दे आर शॉर्ट वेव्स और जब वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं देन दे आर लॉन्ग वेव्स. हमारे जो क्लाउड्स होते हैं वो शॉर्ट वेव्स के लिए एक तरीके से ट्रांसपेरेंट एक्ट करते हैं और लॉन्ग वेव्स के लिए दे एक्ट लाइक एन ओपेक स्ट्रक्चर. इसकी वजह से ट्रैपिंग हो जाती है, हीट ट्रैप हो जाती है. तो बेसिकली ये जो सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक है 2018 में द हिंदू का पार्ट था. द हिंदू के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक का ये जिक्र आया था जिससे हम लोग हमारी अर्थ को कूलिंग इफेक्ट दे सकें. क्या दे सकें? कूलिंग इफेक्ट. और यहाँ पर अगर मैं कूलिंग इफेक्ट से देखूँ तो मुझे एक ही आंसर यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज़ द डी, ग्लोबल वार्मिंग. डायरेक्ट रिलेशन इसका किसका है? ग्लोबल वार्मिंग से है. इट इज़ अ जियो इंजीनियरिंग टेक्निक जिसको स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन भी कहते हैं. क्लाउड थिनिंग स्ट्रेटेजी वुड बी यूज टू शूट पाउडर ओवर सिरस क्लाउड जिससे यहाँ पर एक कूलिंग इफेक्ट आ सके, हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को यहाँ पर कम कर सके, अर्थ के टेम्परेचर को कूल कर सके. अगला सवाल आप लोगों के लिए, पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन. नाउ गाइस, इस बार यूपीएससी में कोल गैसिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है. मैं आपको बता रहा हूँ, याद करके जाना, कोल गैसिफिकेशन. पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन किस पर्टिकुलर चीज से लिंक करता है? पायरोलाइसिस या प्लाज्मा किस चीज से लिंक करता है? बेसिकली जो पायरोलाइसिस है इट इज अ प्रोसेस जहां पर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, वेयर वी प्रोवाइड हीट टू ऑर्गेनिक मटीरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और प्लाज्मा गैसिफिकेशन के अंदर हम लोग एक्सट्रीम थर्मल टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर सकें सिन गैस के अंदर. बताया है सिन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, इन सब से मिलकर सिन गैस बनती है. और ये काम हम लोग करते हैं वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर. हम लोग इसका इस्तेमाल वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर करते हैं. तो अगर आपने इसका आंसर डी किया है देन वेल एंड गुड. आप लोग यहाँ पर मेरे कोल गैसिफिकेशन वाले हिंट से भी समझ सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा. जो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ना वो उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड दे रहा हूँ.
जिससे आप अपना दिमाग थोड़ा सा और बेटर चला सको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। चलो जल्दी, जनरल सवाल है तो रट्टाफिकेशन वाला सवाल है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जनरल क्वेश्चन है, सीधा आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका ए है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। मैरियन बायोस्फीयर प्रोग्राम का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके अंदर, शंदर ने, पप्परा और नयार। ओके, तो ये जनरल क्वेश्चन, चलो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर्स। ये बताओ, ये बताओ, इसको सॉल्व आउट करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर्स, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर ऑल्सो हर्बीवोर्स, सम स्पीसीज ऑफ मैराइन एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, एंड सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विवीपैरस। बताइए क्या होगा इसका जवाब। अब यहां पर जो एक जो शब्द आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है वो है विवीपैरस। विवीपैरस मतलब दोज हु प्रोड्यूस लाइव बेबीज, मतलब एग्स नहीं होते, लाइव बेबीज, जैसे ह्यूमंस होते हैं ना, लाइव बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरीके से वो लाइव बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं यहाँ पर विवीपैरस। क्या होगा इसका जवाब, करेक्ट आंसर क्या है इसका। ओके गाइस, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्रीन सी टर्टल, ओके, बेसिकली दे आर हर्बीवोर्स। ओके, वंस मैच्योर इट इज ओनली सी टर्टल दैट इज स्ट्रिक्टली हर्बीवोर्स। तो कुछ इनिशियली हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ बाद में जाके हर्बीवोर्स बन जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर टू, पैरट फिश आर एल्गी ईटर्स। पैरट फिश आर एल्गी ईटर्स, दे ऑब्टेन एल्गी फ्रॉम राइपिंग स्मॉल चंक्स ऑफ कोरल फ्रॉम रीव्स। बहुत सारी और हर्बीवोर्स हैं दैट थ्राइव अमंग द फिश पॉपुलेशन, जैसे यहाँ पर जैपनीज एंजल फिश, येलो ब्लॉथ रैबिट फिश और टिलापिया। और आपको ऑब्वियसली पता ही है कि जो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है कि कुछ मैरीन मैमल्स भी हर्बीवोर्स होते हैं, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। ऐसे डुगोंग्स, इट इज़ रिलेटेड टू द मैनेटीज विच आर बोथ एंडेंजर्ड एंड प्रोटेक्टेड एनिमल। स्लो मूविंग हर्बीवोर्स हैं जो कि अंडर वाटर ग्रासेस के ऊपर ग्रेस करते हैं, उनको ही खाते हैं। स्टेटमेंट नंबर फोर भी सही है, बिकॉज स्नेक्स भी यहाँ पर विवीपैरस होते हैं कुछ, जो कि अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, प्लेसेंटा से उनका बेबी भी जुड़ा हुआ होता है। मैंने आपको बताया है विवीपैरस मतलब जो लाइव बेबीज को बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमंस एग वगैरह नहीं देते हैं ना, हम लोग लाइव बेबीज को जन्म देते हैं। सिमिलरली विद स्नेक्स, कुछ स्नेक्स भी लाइव बेबीज को जन्म देते हैं, बच्चे देने वाले। अगला सवाल को आप लोग मुझे जवाब दोगे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स वाइल्ड लाइफ नेचुरली फाउंड इन। कौन सी वाइल्ड लाइफ यहां पर कौन सी रिवर से रिलेटेड है, जल्दी से बताओ। गाइस, महाशीर, महाशीर इज फाउंड इन कावेरी रिवर, करेक्ट। इरावाड़ी डॉल्फिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, हम लोगों को ये चिली का लेक में देखने को मिलती है, चंबल रिवर में इसका कोई लेना देना नहीं है। चंबल रिवर में इसका कोई लेना देना नहीं है, चंबल रिवर में हमें गैंगेटिक डॉल्फिन देखने को मिलती है।
इसीलिए सेकंड इनकरेक्ट है। इसलिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी। इसलिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए सी। अगला सवाल स्क्रीन पर, वाइज देयर इज अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीट्स, ये बताओ। ये तो हमने आपको बहुत बारी कराया है, मैंने आपको काफ़ी बार माइक्रोबीट्स के बारे में पढ़ाया है, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ माइक्रोबीट्स के बारे में। हेमंत बिल्कुल सही बात है, ब्रैकिश वाटर इज वन ऑफ द रीजन, बिल्कुल। गाइज डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग लाइक का बटन जरूर दबाएं। लेट अस टारगेट 3 digit लाइक बिफोर एंडिंग दिस क्लास। 3 digit लाइक की संख्या टारगेट करते हैं। अभी जितने बच्चे हैं उतने भी लाइक्स नहीं हुए हैं। गाइस मेन रीज़न ये है माइक्रोबीट्स के बारे में बड़ा कंसर्न ये है, दीज आर दी सॉलिड प्लास्टिक जिनका यहाँ पर साइज 1 millimeter से भी कम होता है। दे आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेड ऑफ पॉलीएथिलीन एंड बट दे कैन बी ऑफ अदर पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के बहुत स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट जो कि शैम्पू, बेबी लोशन, फेस क्रीम वगैरह में देखने को मिले। दिस वॉज द रेगुलर सेकेंड टाइम प्रिलिम्स 2018, प्रिलिम्स 2019 जब हम लोगों को माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर सवाल देखने को मिला। दोस्तों लगातार 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 हम लोगों को दूसरी बार माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर इनडायरेक्ट सवाल देखने को मिला। इस बार आपके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर सवाल आ सकता है। इस सवाल का सही जवाब था ए, इट इज़ हार्मफुल फॉर मैरीन इकोसिस्टम। ये बताओ कल्याण मंडपा वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, किस किंगडम का रिलेशन यहां पर कल्याण मंडप से है। बताइए बताइए, बताइए अमृत, हाँ जी अमृत, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। स्टडी स्प्री कह रहे हैं सर लाइक्स पे मत जाइए, आपके फैन हैं हम। थैंक यू सो मच एवरीवन, एक डेली फील्स ग्रेट आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं सब जगह, यहाँ हो, अन अकेडमी पे हो, बाकी सारी जगहों पर हो, यू ऑलवेज सपोर्ट मी अप। चलिए कल्याण मंडप इज रिलेटेड विद दी विजयनगर किंगडम, ओके, विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेव राय, तेनालीरामा। कल्याण मंडपा वॉज मेंट टू सेलिब्रेट दी डिवाइन वेडिंग्स को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया था। आज 10 PM वाली क्लास नहीं है, आज यही वाली क्लास है, आज यहाँ पर हम लोग ये वाले MCU कर रहे हैं, जो 10 PM वाली क्लास है वो कल से फिर से कंटिन्यू होगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए ये बताओ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये मेडिवल इंडिया का आपका सवाल है, मेडिवल हिस्ट्री का आपके लिए सवाल है। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन को आमिल कहा जाता था। ओके जीत का कुछ कहना है, जीत आई विल सॉल्व योर क्वेरी डोंट वरी। जो एकता सिस्टम था यहाँ पर सुल्तान्स ऑफ दिल्ली का, इट वॉज एन एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन, और मीर बख्शी का जो ऑफिस था
वो तब सामने आया जब खलजी सल्तनत थे। मेरे चैनल पे बहुत सारे हम लोगों ने खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस चलाई हुई हैं, 2 बजे होती हैं रेगुलरली, 2 PM, फिर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आपकी 8 PM होती हैं, ठीक है। इसके साथ आपके लिए क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं ना, सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली आप लोग सपोर्ट करें, खासकर जो लोग मेरे साथ प्लस में नहीं है, जो आपके दोस्त जो कि प्लस अवेल नहीं कर पा रहे किसी भी रीज़न से, फिनेंशियल रीज़न से, आप उनके साथ ज़रूर चैनल को शेयर करें, बोले कि इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। चलिए बताइए, चलिए इसका सीधा आंसर देख, कि सवाल का जवाब है ए, आमिल रिवेन्यू कलेक्टर थे, ही वॉज द इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। गाइस जो इनिशियल टर्किश कॉन्क्वेस्ट था इंडिया के अंदर अर्ली 13th century के अंदर, उसने डिस्प्ले किए बहुत सारे लोकल चीफ्स, जैसे इकता आया है ना, इकता मिलने लगा इन लियो ऑफ कैश। तो इकतास क्या था, इकतास वर दी प्रोविंसेस और स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस विच वर पुट अंडर द चार्ज ऑफ अ ऑफिसर। ऑफिसर के अंदर इकता को रखा जाता था, जिनको कहते थे इकतादार्स, गवर्नर्स। इकता एक अरेबियन शब्द है, अर्ली इस्लामिक वर्ल्ड से यहाँ पर यह शब्द आया है, कैलिफेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस्तेमाल होता था। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंडियन इंडिजीनियस इंस्टीट्यूट नहीं है, इकता हम लोगों ने अरेबिक वर्ल्ड से लिया है। अकबर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो मीर बख्शी हुआ करते थे, ही वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ही वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट अकबर के समय पर, खलजी सल्तनत के समय पर नहीं। इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ए, दिस इज द रीजन दैट द करेक्ट आंसर इज ए। अगला सवाल आप लोगों के लिए दोस्तों, सेंट निम्बार्कर वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, और सेंट कबीर, संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंद। बताइए, नहीं आज 10 PM वाली क्लास नहीं है, आज क्लास यहीं पे ही है, आज क्लास यहीं पे ही है। बताइए, आंसर बताइए, आंसर द करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। स्किप कर देना है अगर कोई सवाल आपको ऐसा लगे जो ज़्यादा ही आपको टफ लग रहा है। निम्बार्करा वॉज अ तेलुगु ब्राह्मिन, ही हैज बीन अ यंगर कंटेम्प्रेरी ऑफ रामानुजा। उन्हें अपना काफ़ी सारा अपना समय जीवन का वृंदावन में व्यतीत किया, और इनका रिलेशन यहाँ पर 11th century से है, तो मुगल अकबर से इनका क्या रिलेशन। मुगल एम्परर अकबर से इनका रिलेशन नहीं है। फिर नक्शबंदी सूफी सेंट शेख अहमद सिरहिंदी वॉज इन हरियाणा इन द पीरियड ऑफ 1624, वेयर एज कबीर दास जी 15th century के पोएट हैं। ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट निर्गुण भक्ति सेंट। आप लोगों ने कबीरदास जी के दोहे भी सुने होंगे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी इनकरेक्ट है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्लियर, एनी डाउट।
एनी डाउट? चलिए अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 बताइए, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, ध्यान से पढ़ो, 20 सेकेंड्स फॉर यू ऑल, मैं भी देख लेता हूँ। रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की जो वॉर कॉन्फ्रेंस थी, महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया था रिजोल्यूशन को रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। थर्ड, द कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉर्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स ने यहाँ पर हम लोगों को या इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये डिक्लेयर कर दिया था इलीगल जब सॉर्ट लॉ ब्रेक किया था दांडी मार्च के बाद, उससे रिलेटेड है दांडी मार्च के बाद। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? बॉस बी और डी। बहुत सारे लोग बी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग डी कह रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। दोस्तों महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबर इन द साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही बात है, साउथ अफ्रीका के साथ इनका यहां पर रिलेशन था। मॉडरेट सपोर्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, मतलब ये गलत है, बिकॉज यहां पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज रिलेटेड विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और यहाँ पर सपोर्ट किया गया था कि इंडियंस को रिक्रूट किया जाए, क्योंकि हम लोग उस समय सोच रहे थे ना कि अगर हम अपना सपोर्ट करेंगे तो उसकी वजह से एक बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्या पता कि हम लोगों को डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। थर्ड स्टेटमेंट सही है क्योंकि कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द लॉन्च ऑफ सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। Although it was not a factor that favored in launching of second phase of civil disobedience movement. Clear? चलिए अगला सवाल, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपको मैच करना है। तेज बहादुर सप्रू जी प्रेजिडेंट ऑल इंडियन लिबरल फाउंडेशन, एन सी नियोगी मेंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पी सी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। देखो सुनो, पॉइंट तो सही है पर ऑप्शंस के हिसाब से यही आंसर होगा बिल्कुल, क्योंकि हम लोग 2019 का क्वेश्चन पेपर कंसीडर कर रहे हैं एज इट इज, तो ऑप्शंस के हिसाब से तो यही आंसर हाँ होना चाहिए बिल्कुल, पर ऑप्शंस के हिसाब से यही होगा। देखो क्या होता है, कभी कभी वी नीड टू कंसीडर दी ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये यूपीएससी के सवाल है, ठीक है, ये यूपीएससी के सवाल है। चलो इसका आंसर क्या लिखा है आप लोगों ने, डी लिखा है, सही बात है, तीनों चीज़ें करेक्ट हैं, शायद आप लोगों को पता भी है क्यों करेक्ट है, बाकी देख लेने के बाद। चलो ये मियाँ तानसेन के बारे में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, नॉट करेक्ट बताना है। मियाँ तानसेन के बारे में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इनकरेक्ट हैं ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 73।
बताइए क्या आंसर दोगे आप लोग। ए ओके ओके अच्छा, आप लोग अगर ए आंसर कर रहे हो तो मुझे ये भी बता दो कि तानसेन जी को तानसेन नाम किसने दिया था। हु गेव द नेम ऑफ तानसेन, लाइक टाइटल ऑफ तानसेन टू तान टू मियाँ तानसेन, किसने दिया था ये बताओगे मुझे। अगर आपने इसका आंसर ए दिया है तो आपको ये भी पता होगा कि किसने दिया था, वो भी तो जरूरी है। बताइए बताओ, आई एम वेटिंग। आपने ये आंसर तो कर दिया पर किसने दिया था। सुजन ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, राजा विक्रमजीत। वेरी गुड सुजन उपाध्याय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंप्रेसिव, बहुत बढ़िया। सो राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने तानसेन को तानसेन का टाइटल दिया था। तानसेन वॉज अ कोर्ट म्यूजिशियन इन द दरबार ऑफ राजा रामचंद्र ऑफ बंधवगढ़। अकबर ने उनका टैलेंट सुना, ही सेंट अ फरमान टू द किंग आस्किंग फॉर तानसेन एंड मेड हिम वन ऑफ हिज नवरत्न इन हिज कोर्ट। यहां पर अकबर ने नाम दिया था मियां, अकबर गेव द टाइटल ऑफ मियां, ये वाला टाइटल अकबर ने दिया था, बट तानसेन वाला टाइटल वॉज गिवन बाय किंग विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर, राजा विक्रमजीत ने ये वाला नाम दिया था। अगला सवाल आप लोगों के लिए, इनमें से कौन से मुगल एम्परर ने इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट से एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, जो आप लोग देखते हैं ना ऐसे इंडिविजुअल पोर्ट्रेट यहाँ पर कुछ मुगल है, मुगल किंग के, उसमें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, कौन थे बताओ, किसने शिफ्ट कर दिया था। किसने शिफ्ट कर दिया था जल्दी से गाइस, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे तो हम लोग आधे घंटे के अंदर सारे सवाल कर लेंगे। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी जहांगीर। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का अगर आप लोग ओरिजिनेशन देखोगे, जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इट वॉज ओरिजिनेटेड इन द रीन ऑफ अकबर इन 1560 AD। द एम्परर अकबर वॉज कीनली इंटरेस्टेड इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर। ड्यूरिंग हिज रीन एन इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द तूतीनामा अपीयर्स टू बी द फर्स्ट वर्क। तूतीनामा वॉज द फर्स्ट वर्क ऑफ मुगल स्कूल। तूतीनामा पहला काम था मुगल स्कूल का, जो स्टाइल था यहाँ पर वो मैन्यूस्क्रिप्ट था, जो कि मुगल स्टाइल के फॉर्मेटिव स्टेज को शोकेस करते थे। उसके बाद नए नए प्रोजेक्ट्स चालू हुए, एक हमजनामा स्टार्ट हुआ यहाँ पर, जो कि क्लॉथ के ऊपर, कपड़े के ऊपर यहाँ पर कारीगरी की जाती थी, जिसके अंदर 1400 लीव्स थी, लीफ के ऊपर भी कारीगरी की जाती थी। जो स्टाइल था हमजनामा का, इट वाज मोर डेवलप्ड एंड रीडिफाइंड देन तूतीनामा, याद रखना, इट वाज मोर डेवलप्ड एंड रीडिफाइंड देन तूतीनामा। जहांगीर के अंदर जो पेंटिंग थी उन्होंने ग्रेटर चार्म, ग्रेटर फैसिनेशन यहाँ पर अचीव किया, और बर्ड्स के, एनिमल्स की, फ्लावर्स की जो पोर्ट्रेट थी वो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर शुरू होने लगी। ठीक है चलो, इनमें से कौन सा जो नेशनल पार्क है, इट लाइज कम्प्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन, अल्पाइंस वाले इलाकों में यहाँ पर पड़ता है, बताइए कौन सा है जो कि यहाँ पर अल्पाइन वाले इलाकों में पड़ता है। अल्पाइन वाले इलाकों से रिलेटेड ये लगातार दूसरी बार सवाल था जो कि हमें आता हुआ नज़र आया था अल्पाइन रीजन से। अल्पाइन रीजन्स आर बेसिकली दी माउंटेन रीजन्स, माउंटेन रीजन्स आर दी अल्पाइन रीजन्स। टेम्परेट अल्पाइन में पड़ता है,
क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जास्कर रेंजेस में पड़ता है। स्नोई माउंटेन से पूरी तरीके से कवर्ड है। इट इज फुल्ली कवर्ड बाय दी स्नोई माउंटेन। अगला सवाल एक इजी क्वेश्चन है आपके लिए, अटल इनोवेशन मिशन किसके अंदर है? गाइस ये तो मतलब अगर इसमें मतलब मुझे 100% आंसर नहीं मिला ना तो इट विल बी अ वेरी सैड सिचुएशन। ये बता दो मुझे जल्दी से, जल्दी से बता दो। अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन इतनी बार कराया मैंने आप, सी वेरी गुड, वेरी 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 गुड। कुछ लोग हैं जिन्हें अभी भी डी लग रहा है। इट इज द नीति आयोग। सी अटल इनोवेशन मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। या तो 21st of June, ये तो परसों का करंट अफेयर है, ज्योग्राफी है, ये बताओ। चलो 21st of June हमारा सन कहाँ पे होता है? 21st of June को हमारा सन कहाँ पे होता है? चलो आपके लिए छोटा सा चीज़ है, YouTube वाला साइन खोजो और उसके साइड में अपना आंसर लिखो, पूरा रेड हो जाएगी स्क्रीन, अच्छा लगेगा। चलो YouTube वाला साइन खोजो और फिर आंसर लिखना, ऐसे वाला। चलो बताओ क्या होगा क्वेश्चन 77 का आंसर। क्या बात है, इंप्रेसिव। मतलब मैंने यहां पर सी लिख दिया तो सबने सी लिख दिया। क्या इसका आंसर सी है? नहीं, क्या इसका आंसर सी है इस सवाल का? क्या इसका आंसर सी है? मैंने बोला था कि आंसर लिखना है, यहां पर मैंने एग्जांपल में सी लिखा था। दिस शोज कि कितने गजब हुआ, मतलब कहां पर आप लोग पहुंच। क्या बात है, ब्रिलियंट। क्या हो रहा है मतलब? समझ पा रहे हो कि इस सवाल में आपने किया क्या? मतलब आपने आंसर आते हुए भी आंसर को गलत कर दिया। दिस इज हाउ यू डू मिस्टेक्स। ऑन 21st of June सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए सबसे लंबा दिन होता है। ज्योमेट्रिकली 90 degrees होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, एक एंगल बनाता है 47 degree का आर्कटिक सर्कल के साथ। सन इज अबव द हॉरिजन फॉर ऑल एरियाज नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल। इट डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्कल। 6 महीने के लिए आर्कटिक सर्कल में दिन ही रहता है। लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है 21st of June को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बताइए
एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर, कैटल रिलीजेस अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपोनेंट इनटू एनवायरनमेंट। क्या होगा इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 78, कौन कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं, ये 1, 2, 3 है लास्ट वाला, ऑल ऑफ द अबव है। जिस 78 का क्या होगा, क्या होगा 78 का, 78 में तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट हैं। बेसिकली मेजर जो डायरेक्ट सोर्स होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का, इट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर सॉइल, दैट इज सिंथेसाइज फाइबर का ही हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वेयर लार्ज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर आर कंबाइंड विद सॉइल कंडीशन, जिससे यहाँ पर डीन्यूट्रिफिकेशन हो सके। स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। अमोनिया इज अ कॉमन बाय प्रोडक्ट ऑफ एनिमल वेस्ट ड्यू टू द ऑफन इनसफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ फीड नाइट्रोजन इनटू एनिमल प्रोडक्ट। कैटल भी यहाँ पर अमोनिया एनवायरनमेंट में रिलीज करती हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है। रिएक्टिव नाइट्रोजन इंक्लूड्स अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन ऑफ दीज, इसलिए सारी के सारी करेक्ट थी। एक और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यहाँ पर कौन सी प्लेसेस का क्या लिंक है, अलियार, ईसापुर और कंगसपति। चलिए जनरल क्वेश्चन है, इसका आंसर करते हैं ली। इट इज डी, दे आर दी वाटर रिजर्वर्स, दे आर दी वाटर रिजर्वर्स, ठीक है, दे आर दी वाटर रिजर्वर्स। चलो नो इश्यूज, नो इश्यूज। चलो ये देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एचसीएनजी को लेकर, हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी को लेकर। हम लोग एचसीएनजी के फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग एचसीएनजी के फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल होगा कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में इसका इस्तेमाल करेंगे। चार चीज़ें हैं कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन को एलिमिनेट करना। दूसरा, एससीएनजी एज फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशंस। थर्ड, हाइड्रोजन अप टू 1/4 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एज फ्यूल फॉर बसेस। एससीएनजी मेक्स फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी। क्या होगा यहाँ पर इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 80, मैं आपको बताऊं दोस्तों, हाइड्रोजन को ना स्टोर करना बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, वैसे एफिशिएंसी अच्छी होती है और खर्चा भी उतना ही ज़्यादा होता है। और व्हीकुलर पोल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रोल नहीं है, व्हीकुलर पोल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रोल नहीं है, और ये एक्सपेंसिव भी होती हैं अपने स्टोरेज के मामले में। हाँ, एफिशिएंसी अच्छी होती है। दिस इज द रीज़न द करेक्ट आंसर इज 2 and 3, द करेक्ट आंसर इज 2 and 3। ओके, सही आंसर इसका 2 and 3 है। क्लियर, क्लियर एवरीवन, एक मिनट जरा रुकना। काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि आज क्लास कहाँ चल रही है। लेट मी शेयर इन आर ग्रुप्स, मैं एक बारी अपने ग्रुप में शेयर कर दूँ जिससे बाकी सारे बच्चों को भी। पता लग जाए जिनकी क्लास आज छूट रही है।
चलो 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 कंटिन्यू करते हैं अपने अगले सवाल से हम लोग. लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आपकी स्क्रीन पर है अगला सवाल. व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट. अगर एक क्लाउडी नाइट है तो ड्यू ड्रॉप यहाँ पर क्यों फॉर्म नहीं होती. मैंने एडवांस में कल ही बता दिया था, कल की क्लास में ही बता दिया था, मैंने कल की क्लास में बता दिया था. व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट. बताइए क्लाउडी नाइट में ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं बनती हैं. क्वेश्चन नंबर 81. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, बिकॉज क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन. जो ड्यू होती हैं वो क्लाउडी नाइट में क्यों नहीं बनती हैं, बिकॉज क्लाउडी नाइट में क्लाउडी नाइट आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स. क्योंकि ज़्यादा बादल छाए होते हैं तो उस वजह से हीट ट्रैप हो जाती है. इन शेडी प्लेसेस, शेडी प्लेसेस में भी नहीं बनती है बिकॉज एयर कैन नॉट मूव देयर फ्रीली. बिकॉज एयर को मूव करने के लिए यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की ज़रूरत होती है. ऑन विंडी नाइट्स भी यहाँ पर ड्यू फॉर्म नहीं होती, बिकॉज विंड कैरीज अवे द मॉइस्ट एयर, द एटमॉस्फेयर हीटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ अर्थ रेडिएशन इन टर्न रेडिएट्स हीट बैक टू द अर्थ सरफेस इंक्रीजिंग द अर्थ सरफेस टेम्परेचर. क्लियर. चलो नो इश्यूज. अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 82. क्वेश्चन नंबर 82 आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से सवाल है. लास्ट ऑप्शन नाइदर वन नॉर टू है. बताइए क्या होगा इसका आंसर. 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स. थ्री डिजिट लाइक हो गए, थैंक यू. क्वेश्चन हिंदी में क्यों नहीं है. ओके चलो अगली बार से जो 2018 का पेपर होगा उसको मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रखा जाए. ठीक है, वी विल ट्राई कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखे जाए. The correct answer is B, guys. The correct answer is B, 2 only. Parliament passed the 39th amendment to the constitution, जिसने remove करी Supreme Court की authority to adjudicate petition regarding the election of the President, Vice President, Prime Minister, Speaker of Lok Sabha. Instead, the body constituted by the parliament would be vested with the power to resolve such election disputes. किसने किया था? यह यहां पर किया था 39th amendment ने. It is not the 44th amendment. Second statement. Amendments were made also to the Representation of the People Act 1951. ये देखो यार लिखा हुआ है यार, सब चीजें स्क्रीन पे लिखी हुई हैं. 2019 का पेपर चल रहा है. 1951, 1974 और 9th शेड्यूल को यहाँ पर इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1975 के साथ यहाँ पर डाला गया था टू सेव प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम एम्बेरसमेंट इफ द अपेक्स कोर्ट डिलीवर्ड एन अनफेवरेबल वर्डिक्ट. NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बॉडी सेटअप की गई थी जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर. आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड थ्रू 99th अमेंडमेंट टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट. पर यहाँ पर इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था. आगे बढ़ो. चलो थोड़ा सा सवाल
याद रखना, ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, वन एंड टू, थ्री ओनली, थ्री एंड फोर, और वन थ्री एंड, थ्री एंड फोर है आई थिंक। चलो कोई बात नहीं, आंसर देखो, क्वेश्चन देखो इसका, और छोटा हो गया क्वेश्चन, आई होप आपको अपनी स्क्रीन पर सही से दिखाई दे रहा होगा। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाई द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, डिटेल्स देता है कि इनकैपेसिटी और प्रूवन मिसबिहेवियर क्या है। नंबर थ्री, जो डिटेल्स है प्रोसेस इम्पीचमेंट ऑफ अ जज की, वो अच्छे से जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर लिखे हुए हैं कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस कैसे होगा। पॉइंट नंबर फोर, इफ द मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्ड द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये वाला सवाल आप लोगों ने बहुत इजीली पढ़ा होगा। आप सब लोग कह रहे हो इसका आंसर सी है। डेफिनेटली इसका आंसर सी ही है। प्रूवन और मिसबिहेवियर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। देयर आर सम ऑफ द कंडीशन, ऐसा नहीं है कि मोशन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए सवाल का जवाब है दोस्तों सी। ठीक है चलो। नाइन्थ शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, कौन थे उस समय प्राइम मिनिस्टर जल्दी बता दो, कौन थे पीएम, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर नाइन्थ शेड्यूल के समय? कौन थे नाइन्थ शेड्यूल के समय पर प्राइम मिनिस्टर? इट वॉज जवाहरलाल नेहरू। टू इंश्योर दैट एग्रीरियन रिफॉर्म लेजिस्लेशन के खिलाफ यहां पर कोई एक्शन ना हो, 1951 के अंदर नाइन्थ शेड्यूल को इंसर्ट किया गया एंड आर्टिकल 31B was inserted by first Constitution Amendment Act 1951, which states that without prejudice to the generality of the provision contained in, none of the acts or regulation specified in the ninth schedule shall be deemed to be void. मतलब ninth schedule को यहाँ पर null and void create नहीं किया जाता। Okay, अगला सवाल coal sector के बारे में बताओ, जल्दी से जल्दी, सुपर स्पीड में आप कवर करते हैं, बस 15 सवाल और रह रहे हैं यार। जस्ट 15 क्वेश्चंस मोर गाइस, जस्ट 15 क्वेश्चंस मोर। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी जी। जो कोल ब्लॉक्स हैं आज उन्हें लॉटरी के बेसिस पे एलोकेट किया जाता है। अभी तक इंडिया के जो इम्पोर्टेड कोल टू Till recently, India imported coal to meet the shortage of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal. अगर ये भाई PIB मेरा ढंग से देख लिया होगा पिछले हफ्ते का, तो भी आप इसे easily solve कर सकते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि हम लोग import dependent हैं coal के। Third वाला point हटा दो, बचा कौन सा point? बचा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ A, and A is the correct answer. बचा सिर्फ A और ए ही है करेक्ट आंसर, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए हैं। अगला सवाल जल्दी से देखो। पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जम्प्ट करता है बहुत सारी पोस्ट को फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि बहुत सारी पोस्टों को बोला गया है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। द अबव मेंशन एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड 5 times। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए फिर से यहाँ पर याद करो कि कौन सी चीज़ डिफाइंड है, कौन सी चीज़ नहीं डिफाइंड है,
क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्या इसका आंसर नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैजंट बीन डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। थ्री हटा दो, थ्री हटा दो, थ्री हटा दो, बचा ए, वन एंड टू ओनली। करेक्ट आंसर, इसका आंसर ए है। एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं किया गया है, बट यहाँ पर पार्लियामेंट एक्ट 1959 ने कुछ पोस्टों को एक्सेप्ट किया है फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलो। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, बताओ। इसमें देखो कि कौन सा का किससे रिलेशन है। नाइन्थ तो अभी हम लोगों ने देख लिया, नाइन्थ शेड्यूल देख लिया, ट्वेल्थ शेड्यूल आपको पता है म्यूनिसिपैलिटीज। बचे ये दो ऑप्शन, थर्ड और फिफ्थ, क्या होगा इसका आंसर। थर्ड के अंदर तो राज्यसभा की सीटें हैं, तो इसीलिए इसका आंसर बचा सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ। एलिमिनेशन से आप लोग पहुंच गए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑटोनॉमी टू ट्राइबल एरियाज अंडर फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज अंडर द फिफ्थ शेड्यूल विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। एक और सवाल चल पाता। रिसेंटली देयर वॉज ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ आर कंट्री अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल्स, हिमालयन नेटल, क्योंकि हिमालयन नेटल जो था बिकॉज इट वॉज फाउंड टू बी अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ, क्या था मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर, टेक्सटाइल फाइबर। ओके, टेक्सटाइल फाइबर, इट इज अ फाइबर यील्डिंग प्लांट, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, ये एक पेड़ है। ओके, हाँ रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड शेड्यूल कंटेन्स द ओथ एंड अफर्मेशन, याद रखना, वो थोड़ा सा निकल गया थोड़ी सी जल्दबाजी में, रियली सॉरी फॉर दैट। पर याद रखना दोस्तों कि थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन आती है, थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन आती है, हैव अ क्लैरिटी ऑन दिस, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यह था इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक का सवाल है। फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस एंड रिमोट सेंसिंग डेटा आर यूज्ड, इनमें से किस चीज़ के लिए हम लोग सैटेलाइट इमेजेस या रिमोट सेंसिंग डेटा का इस्तेमाल करते हैं, बताइए। क्या होगा इसका आंसर, सुनो। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, डेफिनेटली टेम्परेचर के लिए तो हम लोग सैटेलाइट इमेजेस और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब या तो आंसर बी होगा, सी होगा या डी होगा। अगला, ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज, बिल्कुल हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी देख सकते हैं रिमोट सेंसिंग की मदद से, तो इसीलिए सेकंड भी हो सकता है, तो इसका मतलब या तो आंसर बी होगा या डी होगा। ना गैस, क्लोरोफिल कंटेंट भी हम लोग थर्मल इमेजिंग से देख पाते हैं, इसलिए इसका आंसर है डी। सेलर डेटा से हम लोग ये तीनों काम कर पाते हैं रिमोट सेंसिंग की मदद से, ठीक है। अगला सवाल ये बताओ, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेट्स, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से आपको अरेंज करना है। अब देखो ये वाला जो इसका जो आंसर है वो पुराने वाले यहाँ पर फॉरेस्ट वाली जो रिपोर्ट है हमारी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उससे रिलेट कर रहा है, उसके हिसाब से
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो पुराने वाले के हिसाब से नए वाले को आपको एक बारी देखना, नए वाले को एक बारी देख लेना। ये है आपके लिए अगला सवाल, बेहतरीन सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। मैंने आपको बताया है मीथेन हाइड्रेट का मतलब क्या होता है। हम लोग वाटर मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर मीथेन को कैप्चर कर लेते हैं और इसके अंदर ये कैप्चर्ड रहती है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, और इसको कहते हैं हम लोग मीथेन हाइड्रेट। हम इसको कहते हैं क्या, मीथेन हाइड्रेट। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये कैप्चर रहती है। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। ऐसा हो सकता है, जस्ट सोच के देखो, क्या ये मेल्ट हो जाए तो ऐसा हो सकता है क्या। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर। अंडर द सी फ्लोर हमें देखने को मिले हैं। थर्ड, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड्स और टू। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज डी। सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हैं। मीथेन हाइड्रेट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल चारों तरफ से केज्ड होता है, इंटरलॉक्ड होता है वाटर मॉलिक्यूल से, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल से केज्ड होता है। और अगर मेल्टिंग होगी आइस की तो यहाँ पर CH4 भी बाहर आ जाएगा। फोर अर्थ एनवायरमेंट हैव टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन सस्टेनेबिलिटी ऑफ मीथेन हाइड्रेट, जो कि सेडिमेंट और सेडिमेंट्री रॉक हैं बिलो द आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स अलॉन्ग कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, डीप वाटर सेडिमेंट्स इन इनलैंड लेक्स एंड सीज एंड अंडर आर्कटिक आइस। यहाँ पर आपको मीथेन हाइड्रेट देखने को मिल जाएंगे। मीथेन शॉर्ट लिव्ड रहती है एटमॉस्फेयर में। जो मॉलिक्यूल होता है मीथेन का, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बदल जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर अ डिकेड और सो। ये बताओ, अगर हम लोग क्रॉप या बायोमास रेजिड्यू को बर्न करेंगे, अगर हम लोग क्रॉप या बायोमास रेजिड्यू को बर्न करेंगे तो यहाँ पर क्या, कौन कौन सी गैस रिलीज होगी? तो कौन कौन सी गैस रिलीज होगी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 92। ओके, सब 92 का क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर 92 का आंसर होना चाहिए डी। करेक्ट आंसर, सारी की सारी गैस रिलीज होती है, डी इज द करेक्ट। अभी लिस्ट देख सकते हो, जब बर्निंग होती है तो SO2, NOx, CO, CO2, BC, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, सब कुछ रिलीज होता है। अगला सवाल, सी और बॉर्डरिंग कंट्रीज को यहाँ पर मैच करो। एड्रियाटिक सी अल्बानिया, ब्लैक सी क्रोएशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया। मैच करिए जल्दी से, जल्दी से, अब बहुत छोटे छोटे सवाल बचे हैं। गाइज, इस सवाल में आप लोगों को मैपिंग देखनी है, यू नीड टू लुक एट द मैपिंग। अगर मैपिंग अच्छी नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पर समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डू द मैप। करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी, 1, 3 and 4। मैंने आप लोगों के लिए ब्लैक सी और रेड सी की ट्रिक भी बनाई थी, उसको देख लेना। बाकी आपकी स्क्रीन पर भाई डिटेल मैंने लिख दी है, पॉज करके पढ़ लेना बाद। चलो, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। ये बताओ जल्दी से, कौन सा देश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का? जल्दी बता दो, कौन सा देश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का?
करेक्ट आंसर इज बी, इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉप राइस एक्सपोर्टर, वी आर द वर्ल्ड्स टॉप राइस एक्सपोर्टर, हम लोग सबसे बड़े राइस के एक्सपोर्टर हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्लेशियर रिवर्स, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्लेशियर रिवर, करेक्ट आंसर इज ए बंदर पंच, इज लोकेटेड एट वेस्टर्न एज ऑफ हाई हिमालयन रेंजेस, दिस पार्ट ऑफ सनकारी रेंज जो कि गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क के अंदर पड़ती है, उसकी सेंचुरी के अंदर पड़ती है। इट इज़ अ मेजर वाटर शेड फॉर दी हेड वाटर्स ऑफ यमुना रिवर विच सोर्स लाइज इन यमुनोत्री। फिर है यहाँ पर मिलांग ग्लेशियर, वन ऑफ द मेजर ग्लेशियर ऑफ कुमाऊ हिमालयस। यहाँ पर मंदाकिनी का एक सोर्स है, मंदाकिनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर। ओके, जो अलकनंदा रिवर है वो ओरिजिनेट करती है चोराबरी ग्लेशियर से नियर केदारनाथ इन उत्तराखंड। देन वी हैव सियाचिन ग्लेशियर इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज ऑफ हिमालयस। And we have the Zemu Glacier, is the largest glacier of eastern Himalayas, जिसका base Kanchenjunga के पास है। Manas River is a transboundary river in the Himalayan foothills between southern Bhutan and India. Siachen Glacier के बारे में बात करें तो glacier है वो melt करता है, main जो source है वो है Nubra River। ये बताओ हमारे देश में कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियन, फोरेट और ट्राइजोफॉस का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? बताइए किस फॉर्म में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, आप नाम से भी ये अंदाजा लगा सकते थे दैट दीज आर पेस्टिसाइड्स। क्या है ये? पेस्टिसाइड्स। चलो ये बताओ रामसार कन्वेंशन 22nd, रामसार कन्वेंशन के अंदर थोड़ी वेटलैंड की डेफिनेशन को भी बदला गया है और इंडिया के अंदर 10 नई रामसार साइट्स को ऐड किया गया था, अभी रीसेंट का करंट अफेयर है, रीसेंट का करंट अफेयर है। क्या होगा इसका आंसर बताइए? सब लोग डी कह रहे हैं। क्या रामसार साइट के अंदर जितने भी वेटलैंड हमारे देश में हैं सबको बचाना जरूरी है, यस और नो? जितने भी वेटलैंड हमारे देश में है जितने भी उनको बचाना जरूरी है या सिर्फ वही वेटलैंड जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का पार्ट है रामसर कन्वेंशन के अंदर आते हैं? इंडिया की संख्या अब 37 हो गई, तो क्या उन्हीं को बचाना है या सबको बचाना है? सिर्फ उन्हीं को बचाना है, सबको नहीं बचाना है।
इसीलिए फर्स्ट वाला तो सही नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अगर आप ए और डी आंसर कर रहे थे तो बिल्कुल गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बी, करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, आर्टिकल 3 जो है रामसर कन्वेंशन का, वो कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं दे शैल फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट देयर प्लानिंग सो एज टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड इंक्लूडेड इन द लिस्ट। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टूल्स 2010 के अंदर वेटलैंड का मतलब वो रीजन है जहाँ पे मार्शेस, फेन, पेटलैंड, बाकी सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर मैरीन आइलैंड्स भी आते हैं। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 98। विद रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन विच इन द लास्ट 5 ईयर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो ये पिछले 5 साल का है, अब ये वेरी कर सकता है, दिस कैन वेरी 2018 से 2019। पर अब देखो ऐसे सवाल बनते हैं और ये इस तरीके के जो आपके रिजल्ट्स आते हैं उनकी मदद से बनते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए इसका? हाईएस्ट, बिल्कुल यहाँ पे मैच करो, एरिया इज़ द हाईएस्ट, ये तो सही है। एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ जोवार इज़ मोर देन ऑयल सीड्स, यहाँ पर देख लो जोवार और ऑयल सीड्स का, ऑयल सीड्स ये रहे। ठीक है, बिल्कुल गलत है, तो सेकंड, तो 1 और 3 इसका आंसर होना चाहिए, ए शुड बी द आंसर। चलो, रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे, व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट द ऑब्जर्वेशन। ब्लैक होल होता है तो क्या चीज़ ऑब्जर्व होती है, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ब्लैक होल होता है तो क्या चीज़ सिग्निफिकेंट हो जाती है, क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती? ऑब्वियसली ऑब्वियसली द ग्रेविटेशनल वेव्स, ऑल्दो सिंगुलैरिटी भी अभी हम लोग इसको अच्छे से समझ ही नहीं पाए हैं। ओ फिनिश, आई थिंक आई लेफ्ट अ क्वेश्चन या फिर बीच में रिपीटेड हो गया, नो इशू। चलो, यही थे सवाल, एक क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गया एक स्लाइड में मेरी, नो इशूज अबाउट दैट, नो इशूज एंड नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। सो डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग टेलीग्राम लिंक्स को ज्वाइन कर लो @AmanSharmaSPL, हमारे चैनल स्टडी IAS को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। अकेडमी प्लस की तरफ जा रहे हैं तो आपको जिस कोड का इस्तेमाल करना है दैट इज़ स्टडी IAS, STUDY IAS। ओके, समिट के अंदर भी रजिस्टर करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक है। मैं सेशन लूँगा आप लोगों के लिए 6 PM 26th of June। आपके लिए आज इतनी खबरें थी, कैसे लगा आप लोगों को आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आप लोग डाल के मुझे बता सकते हो। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।